हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था बिहेवियर ऑफ गैसेस। वहां मैंने ये कहा था कि सॉलिड और लिक्विड को मैंने स्टडी कर लिया है, गैसेस को मुझे स्टडी करना है। अब गैसेस का बिहेवियर मुझे कौन बताएगा? नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द वॉल्यूम बताएंगे, कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है, या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एक ही बात है, वहां से फिर मोल बना लेंगे। अब वो जो मॉलिक्यूल है गैस में प्रेजेंट, मैंने लास्ट लेक्चर में यही काम किया सारा कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, ये तो काम किया है। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता लग गए हैं, उसको एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करते तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। ये काम मैंने लास्ट लेक्चर में किया। अब वो जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट विद इन द गैस है, वो क्या करेंगे, वो आगे क्या इंफॉर्मेशन मेरे को देंगे? तो मैंने बेसिकली क्या करना है, वो जो आपकी गैस है जिसमें आपके मॉलिक्यूल्स हैं, अब जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे उतनी ज्यादा एक्टिविटी होगी, उतना ही ज्यादा प्रेशर होगा। तो मुझे अल्टीमेटली प्रेशर एग्जर्टेड बाय अ गैस विद इन गिवन वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। उसको कैलकुलेट करने के लिए मेरी कुछ अजम्पशंस हैं, तो जस्ट टू सेव यू टाइम मैंने वो पहले बैंड डाउन कर दी है। तो व्हाट इज सेज कि जो गैस है दैट कंसिस्ट ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जितने भी गैस है सबके अंदर लार्ज मॉलिक्यूल्स होंगे, और वो मॉलिक्यूल्स क्या है, आइडेंटिकल हैं। हाँ, वो दूसरी गैस के मॉलिक्यूल से डिफर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या कहा, मॉलिक्यूल्स आर परफेक्ट स्फीयर्स। नंबर थ्री में क्या कहा, उनका जो साइज है वो बड़ा स्मॉल है, अगर आप टोटल वॉल्यूम की बात करोगे उसके कंपैरिजन में द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल। फिर आपने क्या कहा कि मॉलिक्यूल्स हैं दे आर इन स्टेट ऑफ कॉन्टिन्यूस एंड रैंडम मोशन, इन स्टेट ऑफ कॉन्टिन्यूस एंड रैंडम मोशन। फिर आपने क्या कहा, मॉलिक्यूल जो है आपस में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन नहीं है, बिकॉज मैंने ये कहा हुआ है कि मेरी गैसेस कौन सी है, ये आइडियल गैसेस मानकर चल रहा हूं मैं, ये है नहीं वैसे। नेक्स्ट आपने क्या कहा कि मॉलिक्यूल्स को मैं परफेक्ट स्फीयर्स फोर्स कर सकता हूं, सो दैट उनका जो कोलिजन है विद ईच अदर एज वेल एज विद वॉल ऑफ कंटेनर परफेक्टली इलास्टिक लेकर चलूंगा मैं। फिर आपने कहा कि जो डेंसिटी है वो थ्रू आउट यूनिफॉर्म है। फिर आपने ये कहा कि जब दो मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे उनके जो बीच का डिस्टेंस होगा आफ्टर कोलिजन, मॉलिक्यूल विल ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन एंड दैट विल बी नोन एज द फ्री पाथ। ये कुछ मेरी अजम्पशंस हैं बच्चा, ये कुछ मेरी अजम्पशंस हैं। मैं एक मिनट के लिए साइड पर रहता हूं ताकि आप इनको पेन डाउन कर सको। लो बच्चा जी, आप इसको आराम से पेन डाउन कर सकते हो, ठीक है बच्चा? वीडियो को पॉज करके पेन डाउन कर लेना। अब मैं इनको रब करने जा रहा हूं बेटा जी, ठीक है? क्योंकि मुझे क्या निकालना है, मेरा जो टॉपिक है दैट इज प्रेशर एग्जर्टेड बाय अ गैस, उसके लिए मेरी कुछ अजम्पशंस हैं, अजम्पशंस हैं, ये अजम्पशंस हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की अजम्पशंस हैं, ठीक है बच्चा जी? चले आगे, आप इसको पेन डाउन इजीली कंफर्टेबली कर सकते हो पेन डाउन आप इसको, ठीक है? प्रेशर एग्जर्टेड बाय ए गैस, प्रेशर एग्जर्टेड बाय ए गैस, राइट? सपोज कर लो एक क्यूबिकल वॉल्यूम है, मींस क्यूबिकल बर्तन है आपके पास, ये क्यूबिकल बर्तन है बच्चा। इसकी साइड मैंने मान ली L। अगर मैं साइड L मान लूंगा तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा बच्चा जी? दीज आर योर एक्सिस, सपोज ये एक्सिस है आपकी, दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस, दिस इज योर जेड एक्सिस। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा बच्चा जी इसका? L क्यूब। इसके अंदर स्मॉल एन जो है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ईच ऑफ मास स्मॉल एम। तो व्हाट इज मास ऑफ गैस कितना हो जाएगा? सो मास ऑफ गैस कैपिटल एम बराबर है स्मॉल एम इंटू स्मॉल एन, ठीक है बच्चा? अकॉर्डिंग टू माई काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो अजम्पशन थी, द मॉलिक्यूल्स आर इन स्टेट ऑफ कॉन्टिन्यूस एंड रैंडम मोशन, यही कहा मैंने, मॉलिक्यूल्स आर इन स्टेट ऑफ कॉन्टिन्यूस एंड रैंडम मोशन। अब जो मॉलिक्यूल्स है सपोज उनकी वेलोसिटीज हैं, सपोज कर लेते हैं सी वन कॉमा सी टू कॉमा सी थ्री, ये इनकी वेलोसिटीज हैं। मैंने कहा एक मॉलिक्यूल को ले रहा हूं मैं, उसकी वेलोसिटी मैंने कहा ये सी वन है भाई, तो व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस?
सी वन एक्स अलोंग वाई एक्सिस, सी वन वाई अलोंग जेड एक्सिस, सी वन जेड, ठीक हो गया बच्चा जी। मैंने कहा ये दो फेसेस हैं, एक ये फेस सपोज कर लेते हैं हम लोग वन और एक ये फेस सपोज कर लेते हैं टू। अगर हम सी वन एक्स को देखें, अगर हम सी वन एक्स को ध्यान से देखें, ये मॉलिक्यूल आपका इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है विद वेलोसिटी सी वन एक्स, इसका मास एम है, तो व्हाट इज वॉल्यूम एम सी वन एक्स बन गया इसका, तो मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल इन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी सी वन इन एक्स डायरेक्शन, इन एक्स डायरेक्शन कितना आ गया बच्चा जी, वो एम सी वन एक्स आ गया, मास इनटू वेलोसिटी कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस। यहां जाकर ये फेस वन से स्ट्राइक किया। मैंने कहा है कि आपके कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है, सो रिकॉइल बैक इधर को वापस आ गया विद दिस वेलोसिटी। सो चेंज इन मोमेंटम ऑफ, हां जी, पार्टिकल ऑफ वेलोसिटी c1, क्योंकि पहले एक ही पार्टिकल की बात कर रहा हूं, ऑफ वेलोसिटी c1 अलोंग x एक्सिस और उसी डायरेक्शन में बात कर रहा हूं। हां जी, अब क्या बता रखा है, जब डायरेक्शन ना पता हो तो जिधर को गया था वो मेरी मेजर डायरेक्शन होती है, मैं तो वापस इधर को आ गया हूं, तो क्या आ जाएगा चेंज निकालना, दैट इज द फाइनल माइनस इनिशियल। पहले दोनों की डायरेक्शन सेम करूं, ये मेरी डायरेक्शन थी पहले एम सी वन एक्स, दिस इज माई जाने का मोमेंटम, एंड माइनस एम सी वन एक्स इज नाउ माई आने का मोमेंटम, यही बन जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल। तो क्या बन जाएगी वो, माइनस एम सी वन एक्स माइनस, तो ये फाइनल है बच्चा जी, ठीक है, और वो मेरे पास इनिशियल है। ऊपर देख लो, मैंने फिगर सास्ता बनाता जा रहा हूं आपके लिए, ताकि कहीं आपको कोई डाउट ना रह जाए। तो ये मेरी जाने की डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में आने का मोमेंटम कितना हो गया, ये हो गया, तो फाइनल माइनस इनिशियल, दिस इज चेंज इन मोमेंटम। सॉल्व करके क्या आ गया बेटा जी, माइनस टू एम सी वन एक्स आ गया, ठीक हो गया, राइट। अब इसको रब कर दूं, क्योंकि तो जस्ट यूज कर लिया मैंने, क्योंकि स्पेस वो लिमिटेड है ना बेटा मेरे पास। लो जी, अब ये यहां से टकरा के क्या हुआ, टूवर्ड फेस टू आ गया, दिस इज माई फेस टू, ये री फेस टू, यहां से फिर टक्कर खा के वापस जाएगा, फिर टक्कर खा, इसका मतलब जब यहां से टकराया, आराम से सुना मेरी बात को, ये वापस आ गया, डिस्टेंस एल ट्रेवल किया, फिर टकराया, फिर वापस गया, डिस्टेंस एल ट्रेवल किया, अब दिस टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन ऑन फेस वन कितना आ जाएगा, टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव, बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन ऑन फेस वन कितना आ जाएगा बेटा, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी होता है, डिस्टेंस कितना बेटा जी, 2l चला, वेलोसिटी किससे चला, सी वन एक्स से चला। इसका मतलब अगर यहां मोमेंट बार बार कोलिजन करेगा तो व्हाट इज, अभी एक काम और करना, एक काम रह गया मेरे से, कोई बात नहीं, कहते ये क्या चीज है, चेंज इन मोमेंटम ऑफ पार्टिकल है, देन मोमेंटम इंपार्टेड टू वॉल कितना होगा, इसके अपोजिट होगा, पहले वो लिखना पड़ेगा मुझे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ पार्टिकल है। अब इसने मोमेंटम कितना दीवार को दिया, बर्तन की, मोमेंटम इंपार्टेड टू वॉल, नेक्स्ट इज बेटा जी, मोमेंटम इंपार्टेड टू वॉल कितना है मेरा बेटा, वो प्लस हो जाएगा, 2m c1 x हो जाएगा। अब टाइम इंटरवल, अब तो मैं कर चुका हूं पहले, वो बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, बिटवीन टू
सक्सेसिव कोलिजन कितना आ गया बच्चा जी, वो अभी आपने कहा 12/c1x आ गया। इसका मतलब पार्टिकल गया, टकराया, मोमेंटम दिया, वापस आ गया, फिर टकराया, फिर दिया। तो व्हाट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ वॉल, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ वॉल, दीवार का कितना चेंज हुआ भाई, तो क्या होगा मोमेंटम बाय टाइम आ जाएगा, तो दैट इज योर कितना भाई 2mc1x डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय कितना आएगा बच्चा जी, ये 2l/c1x। तो इसको यहां स्पेस कम है तो इसको ऊपर लिखता हूं बेटा जी, मैं इस चीज को ऊपर करता हूं इस काम को मैं, क्योंकि यही मेन काम है। अब इसकी जरूरत नहीं है मुझे, इसको यूज कर लिया मैंने। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ वॉल, मोमेंटम ऑफ वॉल कहां आ रहा है, ये अलोंग एक्स एक्सिस आ रहा है, पार्टिकल वन से आ रहा है, उसको नाम दे दिया मैंने f1x। कितना है भाई ये, चलो अभी नहीं करते, नाम नहीं देते अभी, इज इक्वल टू 2mc1x डिवाइडेड बाय 12/c1x। 2 से 2 कैंसिल हो गया बेटा जी, क्या आ गया mc1x का स्क्वायर बाय l आ गया। ये एक पार्टिकल की व्हाट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स होता है, ये एक पार्टिकल की फोर्स अलोंग दिस वॉल आ गई, ये इस दीवार की तरफ, इसको नाम दे दो। अब तो मेरे को थोड़ा थोड़ा रब करना पड़ेगा साथ साथ ही, क्योंकि जो चीज यूज कर ली मैंने बस, रेट सॉरी फोर्स एग्जर्टेड बाय पार्टिकल वन अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस कितनी आ गई, इसको f1x नाम दे दो बच्चा जी, क्या आ गई है mc1x का स्क्वायर बाय l आ गई है। एक पार्टिकल की बात की है मैंने, ऐसे पार्टिकल सारे जा रहे हैं उधर को, तो सबकी फोर्स निकालनी पड़ेगी। ये अलोंग y एक्सिस भी जा सकते थे, उधर को भी है ये, तो पहली बात तो ये मुझे निकालना, बाकी तो काम सारा मैथमेटिक्स का है, ये मुझे समझ आना चाहिए। चले आगे नेक्स्ट देखो, अब इस वाले को रब कर लो बस, अब इसकी जरूरत नहीं है मेरे को। हां जी, फोर्स एग्जर्टेड बाय अदर मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगी, अगर आप F2x की बात करोगे तो MC2x हो जाएगा, और क्या होना बेटा जी यहां पर बाय L आ जाएगा। थर्ड की बात करोगे, F3x की बात करोगे तो MC3x स्क्वायर बाय X3 के साथ है, ध्यान रखना ये बाय L हो जाएगा, एंड सो ऑन। व्हाट इज टोटल फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस, उसको नाम कैपिटल एफ एक्स दे दो, क्या बन जाएगा बेटा जी एम बाय एल सबका कॉमन, c1x² + c2x² + c3x² up to cn x² यही बन जाएगा बच्चा जी। ऐसे ही आप एफ वाई निकाल सकते हो सिमिलरली वर्ड लगा के, एम बाय एल c1y² + c2y² + c3y² up to cn y² इन द सेम वे आप एफ जेड कर सकते हो बच्चा जी, एम बाई एल c1z² + c2z² + c3z² up to cn z². कहते हैं प्रोबेबिलिटी तो पार्टिकल की किसी भी डायरेक्शन में जाने के बराबर है। तो चलो पहले बात करते हैं प्रेशर की बात करते हैं, ठीक है, पहले प्रेशर की बात करते हैं। इस फेस का एरिया कितना है बच्चा जी, एल स्क्वायर है, तो अलोंग एक्स एक्सिस क्या बन जाएगा fx/l², तो निकालो लो जी
प्रेशर क्या हो जाएगा, पी एक्स एफ एक्स बाय एल स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरे पास एफ एक्स बचा, तो क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, एम वाई एल क्यूब सी वन एक्स स्क्वायर प्लस सी टू एक्स स्क्वायर अप टू सी एन एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा बच्चा जी। ऐसे ही पी वाई आ जाएगा मेरे पास, एम बाय एल क्यूब सी वन वाई स्क्वायर प्लस सी टू वाई स्क्वायर प्लस सी थ्री वाई स्क्वायर अप टू सी एन वाई स्क्वायर, ऐसे ही आपके पास पी जेड आ जाएगा, एम बाय एल क्यूब सी वन जेड स्क्वायर प्लस सी टू जेड स्क्वायर प्लस सी थ्री जेड स्क्वायर सी एन जेड स्क्वायर। अब अगर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्टिकल की हर डायरेक्शन में जाने के बराबर है, तो पी एक्स बराबर है पी वाई बराबर है बी जेड, पी हो जाएगा। और व्हाट इज पी, दैट इज पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड डिवाइडेड बाई थ्री, सबका एवरेज आ जाएगा। फिर मैंने सबका एवरेज निकाला बच्चा, इसको रब कर लो। अब आप जब सबका एवरेज निकाला, फिर देखते हैं क्या बनेगा। सो p इज इक्वल टू वन बाई थ्री, सब में से m बाई एल क्यूब कॉमन आ रहा है, m बाई एल क्यूब कॉमन आ रहा है, आराम से बात करूंगा। अब मैं पहले इसको 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 लिख रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है मेरा बच्चा जी, सी वन एक्स प्लस सी वन वाई प्लस सी वन जेड स्क्वायर। अब सबके टू लिख रहा हूं, सी टू एक्स स्क्वायर सी टू वाई स्क्वायर सी टू जेड स्क्वायर एंड सो ऑन, सी एन एक्स स्क्वायर सी एन वाई स्क्वायर सी एन जेड स्क्वायर, राइट। पी वन बाय थ्री एम बाय वॉल्यूम बना दिया इसको भी मैंने, क्या ये पार्टिकल वन की वेलोसिटी का स्क्वायर नहीं है, क्या ये सी टू स्क्वायर नहीं है, एंड इसको चलो सी थ्री लिखा नहीं है, सी थ्री लेकिन सी थ्री आएगा ना बेटा, वैसे भी तो मेरे पास स्पेस कम था, सी थ्री नहीं लिखा मैंने। अब कहता है क्या करो, इस सारी इक्वेशन को एन से डिवाइड कर दो और यहां एन से मल्टीप्लाई कर लो, तो पी इज इक्वल टू वन बाय थ्री, ये कैपिटल है मास ऑफ गैस और ये सी स्क्वायर, कोई डाउट हो बच्चा। एंड व्हाट इज दिस सी, रूट मीन स्केयर वेलोसिटी, बी केयरफुल, रूट मीन स्केयर वेलोसिटी, वेयर जो सी है दैट इज रूट मीन स्केयर वेलोसिटी है भाई, ध्यान रख, इसी को आरएमएस वेलोसिटी बोलते हैं। अभी आगे जाके मैं इसके साथ पैरामीटर लगा दूंगा सी आरएमएस, लेकिन ये वही वेलोसिटी है। दिस इज योर प्रेशर एग्जर्टेड बाय द गैस, किस गैस का है, जिसके अंदर एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं और हर एक का मास एम है। अगर ये एक मोल के होंगे तो एक मोल का प्रेशर हो जाएगा, दो मोल होंगे दो मोल का प्रेशर हो जाएगा, मतलब जो जितना ये मास होगा उसका प्रेशर है ये, कोई डाउट हो उसके अंदर आपको। चलें आगे नेक्स्ट देखो, तो मैंने क्या निकाला बेटा, प्रेशर एग्जर्टेड बाय द गैस निकाला, दैट इज पी इज इक्वल टू वन बाय थ्री, ये मास बनूंगा, इसको मैं डेंसिटी भी कर सकता हूं, इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूं, पी इज इक्वल टू वन बाय थ्री डेंसिटी इंटू सी स्क्वायर। डेंसिटी क्या है, ये मास पर मोल, अगर एक मोल का है तो एक मोल की डेंसिटी है, एक ग्राम है तो एक ग्राम की, जितना होगा उसकी डेंसिटी आ जाएगी, कोई डाउट हो बच्चा जी। चलें आगे नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज उसी में है बेटा जी, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर क्या मतलब है, कहते अभी आपने कहा है P इज इक्वल टू वन बाय थ्री रो सी स्क्वायर, वेयर C आरएमएस वेलोसिटी है, ध्यान रखना C इज आरएमएस वेलोसिटी किसकी है, ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, तो इसको मुझे सी आरएमएस लिखने में कोई परहेज नहीं होना चाहिए, मैं आज बता दूं, एक ही बात है। कहते हैं मैंने कहा कोई बात नहीं जी,
पी इज इक्वल टू 1/3 एम बाय वी सी स्क्वायर और पी वी इज इक्वल टू 1/3 एम सी स्क्वायर। अब आराम से सुनना मेरी बात को, मैंने कहा भाई गैस इक्वेशन फॉर वन मोल पीवी बराबर आरटी होता है फॉर वन मोल, इसका मतलब बी केयरफुल, अब ये मास वन मोल का बन गया, मैंने पहले कह रहा हूं कि अगर ये मास एन मॉलिक्यूल का है तो ये वॉल्यूम एन मॉलिक्यूल का है, अगर ये मास एक मोल का है तो ये मॉलिक्यूल कितने होंगे एवोगाड्रो नंबर के बराबर होंगे, तो वॉल्यूम उनका ही होगा ये, तो जितना मास है उसका वॉल्यूम है ये इस इक्वेशन के अंदर। तो अगर मैंने कहा फोर फ्रॉम गैस इक्वेशन पीवी बराबर आरटी और ये गैस भी मेरी वन मोल की है, ले देता हूं फॉर वन मोल, कोई बात नहीं, तो अब ये मास वन मोल का बन गया है, तो व्हाट इज आरटी इज इक्वल टू 1/3 एम सी स्क्वायर। आर गैस कॉन्स्टेंट है, 1/3 वैसे कॉन्स्टेंट होता है, मॉलिकुलर वेट किसी भी सब्सटेंस का कॉन्स्टेंट होता है, तो यहां से क्या आ गया सी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू टी आ गया और सी प्रोपोर्शनल टू रूट टी आ गया बेटा। कहता है अगर टी जीरो हो जाए तो सी को जीरो होना चाहिए, अगर टी जीरो सी जीरो होना चाहिए, ऐसा तो नहीं होता, क्या सारी गैसेस एट जीरो केल्विन पे जाके लिक्विफाई हो जाती हैं? नहीं। क्या उनकी मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप कर जाती है? नहीं। तो यहां से क्या निकला, एक चीज तो ये निकली, हां जी कंक्लूजन क्या निकला फिर यहां से, एक तो ये निकला बेटा दैट इज एब्सोल्यूट जीरो इज दैट टेम्परेचर एट विच मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप्स, दैट इज एब्सोल्यूट जीरो इज दैट टेम्परेचर एट विच मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप्स। लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा बच्चा जी, क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि गैसेज मेरे पास आइडियल नहीं है, रियल गैसेज हैं। नेक्स्ट चीज, अभी आपने कहा है कि यहां से क्या आ गया 1/3 एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू आर टी आ गया बच्चा जी, ये मैं एक मॉलिक्यूल एक मोल की बात कर रहा हूं, तो क्या ये नहीं है मेरा बच्चा जी, ये 1/3 मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल इंटू एवोगाड्रो नंबर इंटू सी स्क्वायर इंटू आर टी, क्या फिर ये नहीं बन जाएगा 1/3 एम सी स्क्वायर आर बाय एन ए इंटू टी, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं हाफ एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2, इसको मैंने स्मॉल के बना दिया के बी इंटू टी, मीन्स काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 3/2 के बी टी या 3/2 के टी, एक ही बात है, इट हार्डली मैटर क्या आप के बी टी करो, कुछ बुक्स में के मिलेगा, हो सकता है धीरे धीरे मैं भी इसको के लिखना शुरू कर दूं, लेकिन इट हार्डली मैटर, कोशिश रहेगी मेरी के बी लिखने की, कोई डाउट हो, दिस इज योर काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, कि वो जो मॉलिक्यूल घूम रहे हैं अंदर उनकी ये एनर्जी है अभी पर मॉलिक्यूल, कोई डाउट हो बच्चा जी, चलें आगे अब न्यूमेरिकल करते हैं, थोड़ा सा कंसेप्ट को क्लियर करते हैं, चलो नेक्स्ट देखो बच्चा जी। तो ये मैंने निकाला कि अगर आपकी रूट मीन स्क्वायर प्रोपोर्शनल वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, और यहां से निकाल दिया काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल निकाल दी, दिस इज योर बेसिकली एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, कि ऑन एन एवरेज ये एनर्जी मॉलिक्यूल के पास होगी। चलें बेटा जी आगे, रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, उनमें क्या रिलेशन है भाई, कहता अभी आपने कहा है पी इज इक्वल टू 1/3 रो सी स्क्वायर, दिस इज मास पर वॉल्यूम, कहते अब इतने मास की, इस मास की व्हाट विल बी एनर्जी ऑफ दिस मास, हाफ रो सी स्क्वायर, दिस इज योर काइनेटिक एनर्जी पर वॉल्यूम, जितने जितने का ये जितना, तो जितने जितना, अब मैंने कहा अगर एक मोल था तो एक मोल का वॉल्यूम था यहां पर,
तो जितने जितना ये जितने भी सब कुछ जो कुछ भी गैस में रखा हुआ है उसका जो प्रेशर है उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो ये है. इज इट क्लियर? मैंने कहा जो उसे जो कुछ आपने बर्तन में रखा हुआ है जो कुछ भी मान लो 50 मॉलिक्यूल है तो 50 का ये प्रेशर है 50 की एनर्जी है. क्या तो दोनों को डिवाइड करना तो यहां से पी बाई ई कितना आएगा कहते हैं पी बाई ई 2/3 बन जाएगा और पी इज इक्वल टू 2/3 ऑफ ई मीन्स जो प्रेशर है दैट इज 2/3 ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी. इज इट क्लियर? अब मैंने एक एक अब मैंने जितने भी मॉलिक्यूल आपके 50 मॉलिक्यूल हैं तो ये 50 की एनर्जी है उनका 2/3 निकाल दो कहता है. अगर 20 मॉलिक्यूल है कहता है ये 20 का प्रेशर तो 20 की एनर्जी है तो उसका 2/3 निकाल दो जो कुछ आपके पास आ रहा है. जस्ट एक न्यूमेरिकल में काम आता है एक रिलेशन है छोटा सा ये जो कई दफा यूजफुल रहता है. मुझे एनर्जी दी है प्रेशर निकालना वहां पर उन्हें उतने मॉलिक्यूल्स का तो उसमें यूजफुल रहेगा मेरे लिए ये कोई डाउट हो बच्चा. अब एक दो न्यूमेरिकल करते हैं ताकि इस कंसेप्ट को क्लियर कर लें बिल्कुल. ठीक है बच्चा जी अब एक दो न्यूमेरिकल करते हैं मैंने कहा ताकि ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए मुझे. तो मैंने काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर भी बता दी कि विद द टेम्परेचर मुझे कैसे उसको रिलेट करना है और प्रेशर को एनर्जी से कैसे रिलेट करना दोनों काम मैंने कर दिए बेटा जी. तो प्रेशर को टेम्परेचर से कर दिया प्रेशर को एनर्जी से कर दिया बस अब लेके चल पड़ेंगे इसको यूज करने के लिए. फर्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 3.32 × 10⁻²⁷ kg. ठीक है बच्चा जी कहता है इफ 10⁻²³ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स मूविंग विद स्पीड 10³ मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक्स ए फिक्स्ड वॉल ऑफ एरिया 2 cm² ऑफ एरिया 2 cm² एट एन एंगल 45 विद नॉर्मल टू द वॉल. ठीक है कहता है इतने मॉलिक्यूल आ रहे हैं वो फिक्स्ड वॉल पे किस डायरेक्शन में एट एन एंगल 45 विद द नॉर्मल टू द वॉल स्ट्राइक करते हैं. कैलकुलेट प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑन वॉल. ये निकालना भाई आपने सिचुएशन क्या है ये एक फिक्स्ड वॉल है जिसका एरिया 2 cm² है ये दिया हुआ बच्चा जी. ये इसके ऊपर हमने नॉर्मल ड्रॉ किया इस डायरेक्शन में मॉलिक्यूल आ रहे हैं कितने आ रहे हैं 10⁻²³ आ रहे हैं मॉलिक्यूल इतने मॉलिक्यूल आ रहे हैं और किस स्पीड से आ रहे हैं वो 1000 m/s की स्पीड से आ रहे हैं भाई. तो प्रेशर ऑन द वॉल बताना भाई मुझे ये पूछ रहा आपसे. वो कहते हैं हम पढ़कर आए हैं मोमेंटम ट्रांसफर्ड इन वन कोलिजन कितना था भाई हमने कैलकुलेट किया थ्योरी में 2 mv लेकिन यहां क्या हो जाएगा वो 2 mv cos ऑफ 45 degree यहां तो यही बनेगा बच्चा जी. एक कोलिजन में इतना मोमेंटम ट्रांसफर कर रहे हो वॉल को कितने कोलिजन है इतने कोलिजन है और एक सेकंड में पर सेकंड है फिक्स्ड वॉल इफ दिस वाज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मूविंग स्पीड दिस मच स्ट्राइक्स द फिक्स्ड वॉल दिस एट एन एंगल 45 विद नॉर्मल टू द वॉल पर सेकंड एक वर्ड रहेगा बेटा यहां पे पर सेकंड इतने मॉलिक्यूल आ रहे हैं पर सेकंड तो मोमेंटम ट्रांसफर्ड पर सेकंड कितना हो जाएगा बच्चा जी मोमेंटम ट्रांसफर्ड पर सेकंड कितना हो जाएगा बच्चा जी वो हो जाएगा 10⁻²³ × 2 mv cos 45 degree
इसी को तो फोर्स बोलते हो, और ये इतने एरिया के ऊपर है, तो व्हाट इज प्रेशर? तो प्रेशर कितना बच जाएगा बच्चा जी, 10^23 इंटू टू, मास कितना है बच्चा जी, 3.32 इंटू 10^-27 के जी है। वेलोसिटी कितना है बच्चा जी, 10^3 है। कॉस 45 1/√2 होता है, और 2 सेंटीमीटर है, 2 इंटू 10^-4 मीटर स्क्वायर बन जाएगा एरिया। चेक कर लो बच्चा जी, कोई फैक्टर आएगा तो देख लो। कहता है द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 3.32 10^-27 के जी। इफ दिस मच हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स मूविंग विद स्पीड दिस मच स्ट्राइक्स ए फिक्स्ड वॉल ऑफ एरिया दिस मच एट एन एंगल 45 विद द नॉर्मल टू द वॉल पर सेकेंड। मतलब इतने मॉलिक्यूल इस एंगल के ऊपर अगर पर सेकेंड स्ट्राइक कर रहे हैं तब क्या होगा प्रेशर? कहता है आप इसको कैलकुलेट कर लो, 2.10^3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आपका कहता आंसर आ जाएगा। बस आपने कैलकुलेशन ही करनी है बच्चा जी। कोई डाउट हो, जेई मेन का क्वेश्चन है बेटा जी, 2017 का। उसने क्या स्मार्टनेस की है आपसे, बिल्कुल देखो बड़ा पर्टिकुलर होके बीच में से पूछा, ना कि आपके लास्ट आंसर से पूछा कि P इज इक्वल 1/3 m/bc2। अंदर से पूछा कि थ्योरी आपको क्लियर है क्या कंसेप्चुअली, वहां से पूछा आपने, उसने आपसे। चले आगे बेटा जी, देख लो, चले आगे मेरा बेटा, इज इट क्लियर? मैंने क्या कहा, उसने ये क्वेश्चन बिल्कुल थ्योरी के अंदर से पूछा आपसे, ये थ्योरी सारी पढ़ कर आया हूं मैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड आरएमएस स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एट एनटीपी ऑब्लिक एसटीपी, या निकालो भी कहता है। कहते दिया तो कुछ भी नहीं, कोई बात नहीं। P इज इक्वल टू 1/3 m/vc2। मॉलिक्यूल की बात कर रहा है, मॉलिक्यूलर वेट ले लेंगे तो व्हाट इज पीवी? अभी आपने कहा है 1/3 mc2, और RT इज इक्वल टू 1/3 mc2, 3RT/m अंडर द रूट निकल गई। बस सब कुछ पता है, 3 गैस कांस्टेंट, 8.31, 273 मास, 2 ग्राम। कहते हैं इसको सॉल्व कर लेना, स्टैंडर्ड वैल्यू है 1845 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। मतलब छोटी छोटी बातें इसलिए बता रहा हूं कि ये यूज करनी पड़ेगी आपको, ये यूज करनी पड़ेगी। ये m है बेटा, ध्यान रखना, दिस इज m। ठीक हो गया, चले आगे, क्योंकि न्यूमेरिकल जब मुझे सिंपल क्लियर है तो मैं कॉम्प्लेक्स भी कर पाऊंगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट टेम्परेचर एट विच आरएमएस स्पीड ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल विल बी सेम एज दैट ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एट 400 केल्विन। कि जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की 400 केल्विन पे है उतनी ही स्पीड नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की किस टेम्परेचर पे होगी? अब तो मुझे पता लग गया व्हाट इज सी आरएमएस। अब तो ये चलो सी लिखो, क्यों टेंशन लेते हो आप? अभी किया मैंने 3RT/m, अभी जस्ट क्वेश्चन किया मैंने, तो सी नाइट्रोजन के लिए क्या हो जाएगा भाई, आरटी तो कांस्टेंट है, बाय मास ऑफ नाइट्रोजन हो जाएगा, और सी हाइड्रोजन के लिए क्या हो जाएगा, 3RT/m ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा। ये टेम्परेचर नाइट्रोजन वाला, ये हाइड्रोजन वाला टेम्परेचर पूछ रहा है, दोनों कहता कब बराबर होंगे, दोनों को बराबर कर दो। सो 3RT नाइट्रोजन बराबर है मास ऑफ नाइट्रोजन, अनरूट खत्म कर दिया मैंने, 3RT ऑफ हाइड्रोजन बराबर है मास ऑफ हाइड्रोजन कर दिया भाई, 3R कट गए,
टी नाइट्रोजन पूछ रहा है आपसे, वो मास ऑफ नाइट्रोजन 28, इधर जाके मास ऑफ हाइड्रोजन 2 होता है बेटा। ये दो स्टेप कर दूं ताकि क्लैरिटी रहे आपको। तो ये बन जाएगा मास ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय मास ऑफ हाइड्रोजन इनटू टी हाइड्रोजन। ठीक है जी, व्हाट इज मास ऑफ नाइट्रोजन 28/2, ये 400 केल्विन दिया हुआ है, तो 5600 केल्विन पे जाके जो स्पीड आपके हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की 400 केल्विन पे है, वही स्पीड 5600 केल्विन पे जाके नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की हो जाएगी आपकी। कोई डाउट हो बच्चा, चलें आगे नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, ए हीलियम गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमोस्फेयर इज एनक्लोज्ड इन ए वेसल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। ठीक है जी, कहता है कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स की बात करनी है, कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, और एवरेज काइनेटिक एनर्जी की बात करनी है पर मॉलिक्यूल, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल की बात करनी है भाई। ठीक है जी, उसके बाद वो कहता है आपने आरएमएस स्पीड ऑफ हीलियम भी बतानी है। ये चारों काम करना इस डाटा से। सिर्फ पहले नंबर ऑफ मोल्स की बात करें, वो क्या होता है भाई, गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। अब सारे यूज करवा रहा है मुझसे वो, एन इज इक्वल टू पीवी बाय आर टी। व्हाट इज प्रेशर, पता नहीं दिया हुआ है 1 एटमॉस्फेयर, तो 1.013, यही बता रखा बेटा आपको, 1.013 इंटू 10^5 वॉल्यूम 4/3 आर क्यूब। आर कितना है, 14 सेंटीमीटर बेटा, तो 0.14 मीटर बन जाएंगे क्यूब, डिवाइडेड बाय गैस कांस्टेंट 8.31 एमकेएस सिस्टम के अंदर 27 डिग्री सेल्सियस मींस 300 केल्विन, ये आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स। कहता है इसको कैलकुलेट कर सकते हो आप, ये आएगा 0.467 मोल आएंगे कहता है ये। ठीक है जी, नंबर ऑफ मोल्स निकाल दिए पहले मैंने, सबसे पहली बात एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ये तो फर्स्ट पार्ट था भैया आपका, एवरेज काइनेटिक एनर्जी अभी पढ़ा है मैंने, क्या पढ़ा है भैया आपको, हाफ एमसी स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 KT। या तो मुझे हीलियम का मास पता हो, एक मॉलिक्यूल को पता नहीं मेरे को, यहां से आराम से निकल सकता है। तो व्हाट इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल 3/2, हां जी कितना था ये, 1.38 इंटू 10^-23 था बच्चा जी, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, के भी वही, टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन। ठीक है बच्चा, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो आराम से एक बात कर लेते हैं इसके अंदर, 9/2, ये चलो ऐसे करो ना, पहले इसको 2 से डिवाइड कर लो, 9 × 0.26 = 12, 2 9 इंटू 10^-21 बच जाएंगे बच्चा। ठीक है जी, ठीक है, यही बनेंगे उसके बाद, क्योंकि मैंने इसको डिवाइड कर लिया ना पहले, अब 9 से कर दो, 9 × 9 = 81, 8 × 9 = 54 + 8 = 62, तो 6.21 × 10^-21 जूल, 6.21 × 10^-21 जूल एनर्जी आ गई भाई। कोई डाउट हो, यही पढ़कर आया हूं मैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है वो, आरएमएस स्पीड, वो क्या होती है बच्चा जी, सी आरएमएस 3RT/m होती है बच्चा जी, राइट, 3RT/ हीलियम कितना होता है, हीलियम का 2 होता है, तो आपका ये 3, गैस कांस्टेंट 8.31, टेम्परेचर कितना बेटा 300 केल्विन है, मास कितना हो जाएगा 2H4 होता है बच्चा जी हीलियम का। ठीक है, तो रफली आपकी ये आ जाएगी 1300 आ जाएगी, क्योंकि अगर मैं इसको पहले करता हूँ हाइड्रोजन के लिए निकाला मैंने, 1830 आई थी रफली, ये 1.3 समथिंग किलोमीटर आ जाएगी,
अप्रॉक्सीमेटली वर्ड लगा रहा हूं मैं 1.3 किलोमीटर पर सेकेंड, मैंने वर्ड लगा दिया अप्रॉक्सीमेटली बचा, क्योंकि हाइड्रोजन की एग्जैक्ट निकाल रखी है मैंने नीचे 2 लेके और यहां पर 273 लेके, तो यहां पर फैक्टर 2 का बढ़ गया थोड़ा सा ऊपर, तो रफली उससे कम हो जाएगी क्योंकि क्योंकि डिवाइड करना पड़ रहा है मुझे, तो रफली 1.3 किलोमीटर पर सेकेंड आ जाएगी, कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर। तो इतने से डाटा से जब मुझे बेसिक थ्योरी ऑफ क्लियर हो गई है, नंबर ऑफ मोल्स वाली, काइनेटिक एनर्जी वाली और आरएमएस वाली, यस तीनों अप्लाई कर दिए मैंने, मतलब एवोगाड्रो नंबर भी अप्लाई कर लिया मैंने अपना, आपकी काइनेटिक एनर्जी की बात भी कर ली मैंने और आपकी ये बात भी कर ली, कोई डाउट हो बच्चा इसके अंदर आपको देख लो। चले आगे, नेक्स्ट देखो बच्चा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, कहता है 2 मोल ऑफ ए गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस मिक्स्ड विद, हां जी, 3 मोल ऑफ गैस एट 127 डिग्री सेल्सियस, फाइंड इक्विलिब्रियम, फाइंड क्या निकालना है बच्चा मुझे, फाइंड इक्विलिब्रियम टेम्परेचर ऑफ सिस्टम। ठीक है बच्चा जी, ये काम करना है मुझे, कहते कोई बात नहीं, मान लो फाइनल टेम्परेचर टी ए बाद की बात है, कहते है पहले इसकी एनर्जी कितनी है, व्हाट इज एनर्जी पोजेस्ड इज इक्वल 3/2 nRT, ये कहां से आ गया बच्चा जी, एनर्जी पोजेस्ड बाय 1 मोल, क्यों, अभी तो मैंने कहा है व्हाट इज पी 1/3 m/v c2, व्हाट इज पी वी 1/3 mc2, व्हाट इज पी वी आर टी 1/3 mc2, ये सारा मास अगर 1 मोल का है तभी मैंने इसको पीवी बराबर आरटी पुट किया है, तो यहां से क्या जाएगा बच्चा जी, 3 RT/2 कर दो इज इक्वल टू हाफ, तो ये 1 मोल की एनर्जी आ गई है। मैंने कहा सारा वही चल रहा है काइनेटिक इंटरप्रिटेशन, अगर एन मोल है तो ये एन लग जाएगा, तो ये एन लग गया भी मेरा, कोई बड़ा डाउट हो इसके अंदर, कोई डाउट हो, यहां से बिल्कुल आपके सामने निकाल लिया मैंने। अब कहता है टेम्परेचर, इसकी एनर्जी कितनी थी पहले वाले की, कहता ये थी जी 3/2 नंबर ऑफ मोल, जिसके 2 है, आर गैस कॉन्स्टेंट है, टेम्परेचर 300 केल्विन था, तो सॉल्व करके 900 R इसकी वैल्यू आ गई है, E1 की वैल्यू कहता है। व्हाट इज ऑफ सेकेंड गैस, E2 भी निकाल दो, कहता तो कोई बात नहीं जी, E2 कितने 3/2 नंबर ऑफ मोल्स 3 है बच्चा जी, R वही है, टेम्परेचर कितना है इसका 400 केल्विन, तो कोई बात नहीं, तो 3 × 3 = 9, 9 चुका 36/2 1800 R आ जाएगा इसका E2। देख लो बच्चा जी, कोई डाउट तो नहीं है, उसमें आ गया 9, इसमें आ गया आपके पास 2 × 9 = 18 R आ गया। इन दोनों को मिक्स किया मैंने, मान लो फाइनल टेम्परेचर मेरा टी, अब बात करो फाइनल टेम्परेचर मिक्सचर का कितना है, सपोज टी है, तो व्हाट इज एनर्जी ऑफ मिक्सचर, क्या बन जाएगी, वही सेम फार्मूला 3/2 nRT, तो 3/2 नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए आप, एन 3 × 2 = 5 हो गए, कोई डाउट हो बच्चा, तो कितना बन गया ये, दैट इज योर 5 × 3 = 15/2 rT आ गया। कहते हैं एनर्जी थोड़ा ना कभी वेस्ट होती है, एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो यहां पर, तो व्हाट इज ई बराबर है E1 + E2, तो व्हाट इज ई बेटा जी, 15/2 rT बराबर है 900 R + 1800 R, ठीक हो गया जी, R से R कैंसिल हो गया, तो दो स्टेप करते हैं, 15/2 = 2700, T = 5400/15, ठीक है बच्चा जी, कितना आ जाएगा ये 15 × 3 = 45, 9 बच गया बैलेंस 90, 15 × 6 = तो 360 केल्विन आपका टेम्परेचर आ गया फाइनल, कोई डाउट हो बच्चा जी, लेकिन मैं ये सब काम कब कर पाया, जब मुझे ये काइनेटिक इंटरप्रिटेशन पता है मुझे कि एनर्जी टू प्रेशर, प्रेशर टू टेम्परेचर मैं कैसे कर सकता हूं कन्वर्सन, तब काम कर पाऊंगा मैं ये वाला सारा, कोई डाउट हो बच्चा आपके अंदर। चलें आगे, नेक्स्ट देखो, वेरी इंफॉर्मेटिव एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन,
एनर्जी कंजर्वेशन लगा के मैंने सारा काम किया है यहां पर। अगर यहां पर एनर्जी कंजर्वेशन ना, तो मुझे बताएगा इतनी एनर्जी मेरी लूज हो गई, बताएगा इन द प्रोसेस दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट, तो मुझे वहां माइनस कर दूंगा उस प्रोसेस में से फिर मैं। तो अगर नहीं बताया तो इट इज अज्यूम्ड एनर्जी कंजर्वेशन है। अगर लिखा है तब भी ठीक है, नहीं लिखा है तब भी ठीक है। अगर लिखा है तो उसने क्या लिखा है कि सपोज इन द प्रोसेस 2 hours ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट, तो 2 hours कम कर दूंगा टोटल में से इस 2 में, बस वो तो बताएगा मुझे कितनी एनर्जी लॉस हो रही है मेरी। चले आगे बच्चा जी, नेक्स्ट देखो। क्वेश्चन नंबर 6 देखो बच्चा, वो क्या कह रहा है कि 2 कंटेनर हैं, एक का वॉल्यूम है 3 लीटर और दूसरे का वॉल्यूम है 4 लीटर, और दोनों ऐसे जुड़े पड़े हैं, मींस दोनों के बीच में ये एक शटर लगा रखा है मैंने कि शटर खोल दोगे तो दोनों का वॉल्यूम, दोनों की जो मतलब गैसेस वगैरह वो मिक्स हो सकती हैं। वॉल्यूम कितना बेटा जी? 3 लीटर, और इसका वॉल्यूम है बच्चा जी 4 लीटर, ठीक है। इसको बर्तन नंबर 1 कर दो, इसको बर्तन नंबर 2 कर दो। इसमें कहते हैं नंबर ऑफ मोल्स 2 हैं और प्रेशर कितना है बेटा जी? 2 एटमॉस्फेयर है, एन बराबर 2 मोल और ये बराबर है 2 एटीएम। यहां पर नंबर ऑफ मोल्स 3 है भाई और यहां प्रेशर कितना है बेटा जी? 3 एटीएम है। कहते हैं जब मैंने शटर खोल दिया तो डिफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा गैसेस का आपस में, फाइनल प्रेशर बताओ। फाइंड फाइनल प्रेशर इफ, इसको वर्ड लगा दिया इफ ए बी इज ओपन्ड, इफ ए बी वॉल इज रिमूव्ड, ये वर्ड लगा दिया अभी मैंने इसके अंदर। ये पूरा सिस्टम है इसके अंदर, ये सारा सिस्टम पड़ा हुआ है इसके अंदर। कुछ एनर्जी होगी, एनर्जी क्या होती है बेटा जी? आपने पढ़ी है एनर्जी 3/2 nRT होती है बेटा जी, अभी पढ़ कर आए हो पीछे आप। ये तो मैंने कहा 3/2 nRT एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। अगर n मोल है तो ये मोल की बन जाएगी, अगर n ना होता तो ये एक मॉलिक्यूल की बन जाती, उसके अकॉर्डिंग चलेगा। अगर n 1 होगा तो 1 मोल की आ जाएगी। अगर यहां पर ये, हां जी, अगर मेरे पास 3/2 kT है तो देख मॉलिक्यूल की बन जाती है। सारा तो पढ़ा मैंने भी काइनेटिक इंटरप्रिटेशन के अंदर, सारा तो पढ़ा मैंने ये। लो जी, पहले बात करते हैं बर्तन 1 की, व्हाट इज एनर्जी E1? 3/2 nRT है। अब मुझे टेम्परेचर तो दिया नहीं, लेकिन मैंने अभी आपकी एक गैस इक्वेशन पढ़ी है, PV = nRT, ये गैस इक्वेशन तो पढ़ी है मैंने। तो व्हाट इज एनर्जी? 3/2 PV बनगी बेटा, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, चेक कर लो, जो मुझे अब तक नहीं पता था लेकिन अब पता लग गया, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन टेम्परेचर करने के बाद पता लग गया। तो व्हाट इज E1? 3/2, प्रेशर कितना बचा जी? प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर, 2 एटीएम। वॉल्यूम कितना है बेटा जी? लीटर। कितना है? 3 लीटर है, राइट। इसको मैं 2 से 2 कैंसिल, 9 यूनिट कर देता हूं, जो भी यूनिट बनेंगे इसके। व्हाट इज E2? चेक करो बच्चा जी, 3/2 P2V2 कितना बेटा जी? 3 एटमॉस्फेयर। वॉल्यूम कितना है? 4 लीटर, ठीक है बच्चा। कितना बन जाएगा ये? 2 × 4 और ये 18 यूनिट आ जाएंगे बेटा जी, कोई डाउट हो। कहता है शटर खोल दिया मैंने तो व्हाट इज टोटल सिस्टम का? 3/2, मान लो प्रेशर P हो गया, अब वॉल्यूम कितना बन जाएगा बच्चा जी? V1 + V2। 3/2 P, व्हाट इज V1? 3, व्हाट इज V2? 4। कहते हैं कि एनर्जी जो है वो कभी वेस्ट, जब तक वो नहीं कहेगा तो एनर्जी कंजर्वेशन चलेगा मेरा, या वो कहेगा मेरे को कि इतनी एनर्जी मेरी वेस्ट हुई है, अगर नहीं हुई है तो एनर्जी विल बी कंजर्व्ड। तो क्या हो जाएगा बच्चा जी? E बराबर है E1 + E2 हो जाएगा। व्हाट इज E? 3/2 P × 7 बराबर है 9 + 18, तो व्हाट इज P? 27 × 2 = 54, या 27 × 2 कर लो, डिवाइडेड 7 × 3 कर दो, ठीक हो गया। चेक करो, 3 9 = 18, तो 18/7 आ जाएगा सॉल्व करके। 7 × 2 = 14, 4 बैलेंस बच गया बच्चा जी, 40 बन जाएगा। 7 5 = 35, फिर बैलेंस 5 बच गया, 50 बन जाएगा। 7 7 = 49, तो ये आपका 2.57 एटमॉस्फेयर आ जाएगा बच्चा जी, चेक कर लो इसको।
ये चीजें मुझे कब पता लगी है, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर पढ़ने के बाद पता लगी है, पहले नहीं पता थी मुझे चीजें ये, कोई डाउट है इस क्वेश्चन के अंदर? चलें आगे देख लो बच्चा जी, रब कर दो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, एट 300 केल्विन द आरएमएस स्पीड एंड एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल फॉर ऑक्सीजन इज 484 मीटर पर सेकेंड एंड 6.21 × 10⁻²⁰ जूल। मतलब उसकी जो आरएमएस वेलोसिटी है वो 300 केल्विन पे कितनी है बेटा, 484 है, और उसकी एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी कितनी है पर मॉलिक्यूल, 6.21 × 10⁻²⁰ जूल है। इफ टेम्परेचर इज डबल्ड, इफ टेम्परेचर इज डबल्ड कॉमा कैलकुलेट आरएमएस एंड ट्रांसलेट आरएमएस स्पीड, या द आरएमएस स्पीड आएगा बेटा, ये वर्ड रहेगा मेरे से स्पीड, द आरएमएस स्पीड एंड एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, डबल कर दिया ना बेटा जी टेम्परेचर आपने, पर मॉलिक्यूल एट 600 केल्विन, क्योंकि डबल कर दिया है। लो जी, व्हाट इज सी आर एम एस, मुझे मालूम है कितनी होती है बेटा जी, 3 RT/m होती है। देख लो, 3 कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट है, ये मॉलिक्यूल वेट भी कांस्टेंट होता है, इट मींस जो सी आर एम एस है दैट इज प्रोपोर्शनल टू टी आ गई है, रूट टी सॉरी। तो आपने क्या कहा, आपको 600 पे निकालनी है और 300 पे दी हुई है, तो ये 600/300 रूट के अंदर आ जाएगा बच्चा जी। तो व्हाट इज 600 के ऊपर आरएमएस कितनी हो जाएगी, 300 × √2 बच्चा जी, तो ये √2 × 484 मीटर पर सेकंड जो भी वैल्यू आएगी आप उसको कैलकुलेट कर दो, क्या दिक्कत है उसके अंदर बच्चा जी, देख लो। कहते हैं व्हाट इज एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, वो 3/2 kT होती है, 3/2 k कांस्टेंट, अगेन टी आ गया, तो व्हाट इज के ई 300, या के ई प्रोपोर्शनल टू टी बन गया मेरा बच्चा जी, यहां से ऐसे करो दैट विल बी मोर बेटर, तो के ई 600 डिवाइडेड बाय के ई 300 इज इक्वल टू 600/300, ये सॉल्व करके 2 आ गया, तो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी 600 टेम्परेचर के ऊपर, 2 × 300 टेम्परेचर, इसको थोड़ा सा ठीक लिखता हूं बेटा मैं, दैट इज के ई 300 के ऊपर कितनी है बच्चा जी, वो 6.21 × 10⁻²⁰ जूल है, तो ये 12.42 × 10⁻²⁰ जूल आ जाएगी बच्चा जी। तो देख लो बच्चों, मैंने आज आपका जो मेन आर्टिकल है विच इज हार्ट ऑफ दिस चैप्टर दैट इज प्रेशर एग्जर्टेड बाय द गैस किया है मैंने, फिर मैंने वहां से काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर की बात की है कि वो जो काइनेटिक एनर्जी है उसकी उसको हम इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर कैसे इंटरप्रिटेट करेंगे, सारी बातें की वहां से, फिर मैंने मॉलिक्यूल की एनर्जी भी निकाली मैंने, मैंने एक कुछ गिवन अगर प्रेशर एनर्जी में रिलेशन किया वो भी मैंने बात की आपके साथ, तो मैंने कोशिश की है वो जो एक आर्टिकल है प्रेशर एग्जर्टेड बाय द गैस उसको कंसेप्चुअली क्लियर करने की थ्रू न्यूमेरिकल्स मैंने आपको कोशिश की है। ठीक है बेटा, बाकी नेक्स्ट टाइम करेंगे, थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहो।